हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी और 5 फरवरी के हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। सुबह सुबह बहुत दिनों के बाद में, सॉरी बहुत दिन तो नहीं, 2 दिन हुए हैं, थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हुई थी और लेट हुआ था। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा डेटा, बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, सो हम सबको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। मोटिवेशन आज का है, इट्स नेवर टू लेट एंड यू आर नेवर टू ओल्ड टू बिकम बेटर। यू सी, इससे बेटर लाइन कभी भी मुझे नहीं मिलती है, कभी भी नहीं। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज बी रॉ। रॉ का मतलब होता है कि आप कभी भी एक ऐसे मटेरियल की तरह रहिए कि आप में कोई भी चेंज हो सकता है बेटरमेंट के लिए। ठीक है, नेगेटिव चेंज के लिए आप तैयार मत रहिए, आप पॉजिटिव चेंज के लिए हमेशा तैयार रहिए और उसके लिए अंदर आपको जो समझदारी है वो बहुत काम आती है। और इससे बड़ा कोई सेंटेंस नहीं है कि कभी भी इंसान बेटर बन सकता है। जहां भी, किसी भी कंडीशन में आप हो, किसी भी एज में हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी पोजीशन में आप हो, आप वहां से कुछ ना कुछ बेटर कर सकते हैं। जिस भी कंडीशन में आज है, आज किसी भी मतलब स्टेट पे आप हैं, चाहे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई लाइफ का लेसन है, चाहे कोई लाइफ का फेज चल रहा है, आप हमेशा बेटर हो सकते हैं। ये पॉजिटिविटी होती है, यही इसको बोलते हैं होपफुल होना लाइफ में। और कई बार हम कंस्ट्रेंट्स में जीने लग जाते हैं और बहुत सारी कंडीशंस को मानने लग जाते हैं, लेकिन उस कंडीशन को कभी मत मानिए जो आपको ये बोलती है कि आप इससे बेटर कुछ नहीं कर सकते हो। ये कभी भी नहीं मानना आपको, और ये आपको हिम्मत भी देता है और ये एक प्रैक्टिकल बात भी है। किसी भी कंडीशन में आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं लाइफ के और बहुत सारे डायरेक्शन में लाइफ निकल जाती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल जाती हैं। लेकिन अगर हम कंस्ट्रेंट में आ जाते हैं, उसमें अपने आप को रोक लेते हैं, उस एक पर्टिकुलर शेल में डाल लेते हैं कि बेटर नहीं हो सकते हैं, या फिर हमारे ऊपर तो कंडीशन लग गई है, अब इतनी एज हो गई, अब तो क्या हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये जो मानता है वो कभी आगे जा ही नहीं सकता, वो भीड़ का हिस्सा ही बनेगा और फ्रस्ट्रेटेड भीड़ का हिस्सा बनेगा लाइफ में। बहुत लोग आप देखेंगे 30-40-50 साल के लोग ऐसे मिलेंगे आपको, वो फ्रस्ट्रेशन में ही घूमते हैं, क्योंकि इस एज के अंदर, ये 20s वाला जो एज है, इसके अंदर वो आते आते ये मान लेते हैं कि अब तो एज हो गई, अब ये कुछ चेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं मानना है, कभी भी किसी भी फेज में आप बेटर हो सकते हो, बस वो ढूंढना आपका काम है, वो आपकी एबिलिटी है। और विनर्स यही एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, वो ढूंढ लेते हैं कि रास्ता कहाँ से जाता है। तो ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है आज के दिन भी। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो StudyIQ के पेन ड्राइव कोर्सेज के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। अब वोकेबलरी जो आज मुझे मिले हैं वर्ड्स, उनको आप ट्राई करना, यूज़ करना डिक्शनरी में, सेंटेंसेज में डालना, इन सबको आप डेली किया कीजिए। देखिए बहुत टाइम बाद आपको पता लगा कि एक बहुत बड़ा कंपाइलेशन आपके पास हो गया है। और इंग्लिश का मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश पे ध्यान दो, डेली प्रैक्टिस करो इसके ऊपर। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और कॉलेज टाइम तक, और उसके बाद मैंने बहुत सुधार भी किया है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये कभी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि आपके पास, आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो और आपने ये कुछ नहीं पाया। अब ये बेटरमेंट वाली कंडीशन यहाँ भी लागू करो, और बिना इंग्लिश के काम नहीं चलेगा, चाहे कोई कुछ भी बोलता हो, मातृभाषा सब कुछ है, सब जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में इट्स अ कनेक्टेड वर्ल्ड एंड इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। एंड जितना ऊपर आपको जाना है, एज हाई एज यू वॉन्ट टू गो, वहाँ पर आपको बिना इंग्लिश काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक वर्ड नॉन लैंग्वेज है। अब आर्टिकल्स की बात करते हैं, नेशनल रजिस्टर फॉर एक्सक्लूजन, जो NRC की एक्सरसाइज चल रही है बहुत टाइम से, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स हो रहा है और उसमें डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कराए जा रहे हैं और उनको डिमांड किया जा रहा है कि आप प्रोड्यूस कीजिए, तभी हम आपको सिटीजन मानेंगे। और उसमें बहुत सारे लोगों का 30-40 लाख लोग जो है एक्सक्लूड हो गए हैं, और उसके बाद वो पॉलिटिकल इशू भी बना, चुनाव भी हुए, उसके बाद दोबारा से अभी आ गया कि रिव्यू चल रहा है उसका, और फिर उसमें देखा जाएगा। तो आपको पता ही है कि सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नीड तो बहुत टाइम से है और ये एडजस्टमेंट होने भी चाहिए, सेटलमेंट भी होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा इशू होता है पॉलिटिकल। पहले चुनाव आसाम गवर्नमेंट के थे, अब सेंटर के चुनाव हैं, तो इन सब के अंदर ये जो गरीब लोग होते हैं, इनका नंबर ज़्यादा होता है, एजुकेशन कम होता है और हमेशा यूज़ होते हैं। अब ये भी नहीं बोल सकते कि 100% जो है इन्हीं की गलती है, सिस्टमेटिक फॉल्ट्स हैं, कुछ किस्मत भी होती है और बहुत सारा इनकी खुद की भी गलती होती है कि एजुकेशन वगैरह को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अवेलेबल हैं कि आप जो गरीब से गरीब है, कमज़ोर से कमज़ोर है, वो भी अगर अवेयर है तो वो कहीं ना कहीं पर रास्ता ढूंढ सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट उसको देना ज़रूरी होता है। लेकिन ये लोग जो हैं, इनका इशू ही सिटीजनशिप का है, तो वो सबसे बड़ा इशू हो जाता है कोई भी सपोर्ट सिस्टम लेने के लिए, सब कुछ सर्वाइव करने के लिए। और जहाँ पर ये लोग
बहुत सारे लोग तो बाहर से आए हुए हैं, 71 के जो बांग्लादेश बना था उसके टाइम पर आए हुए थे, ये सब कुछ था, लेकिन वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है उनमें भी बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। अब देखिए बात क्या जाती है, हमेशा हिस्ट्री के ऊपर बात चली जाती है, पास्ट के ऊपर बात चली जाती है, और उसका एविडेंस देना, उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी सेंस के अंदर। अब इन लोगों के अंदर ये जो इशू है, ये आर्टिकल है उन लोगों के बारे में है जो कि असम में रह रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन उन बेचारों के पास में एविडेंसेस नहीं है, या फिर जो उनका टॉर्चर चल रहा है बुरी तरह से और बहुत ही मतलब बेतुके पॉइंट्स बना बना के उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, ये उसके रिगार्डिंग है। अब बात ये भी आती है, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात ये करना जरूरी होता है कि स्टेट या फिर एक देश जो होता है वो कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। सर्टनली देर इज अ लिमिट, ये बात बिल्कुल सही है कि लिमिट होती है, लेकिन एक चीज याद रखना है हमें, हम ऐसे देश थे और दुनिया में हम ऐसे देश रहे हैं हमेशा से, हमारी फिलॉसफी ऐसी रही कि हमने मटेरियलिस्टिक गेन पे कभी ज़्यादा फोकस नहीं किया है और लग्जरी से ज़्यादा हमने इम्पोर्टेंस दी है एब्स्ट्रैक्ट को, इमोशंस को, भाव को, लव को, फेथ को, डाइवर्सिटी को। और जो लोग आपस में खुशी खुशी रहते हैं अलग अलग डाइवर्सिटीज़ के, उसमें जो लाइफ ढूंढते हैं उसको हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमेशा दिया है, हम ऐसे देश हमेशा से ही रहे हैं, इसीलिए हम एक यूनिक कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, हम एक मतलब एक चमत्कार हैं दुनिया के लिए, इतने सारे तरह के अलग अलग तरह के लोग, इतने सारे लैंग्वेज के लोग कैसे रह सकते हैं एक साथ में। लेकिन देखिए वही चीज़, वही इमेज जो है सबसे ज़्यादा अभी टार्निश्ड है, वही ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही है, क्योंकि सर्वाइवल का इशू है। दूसरा, इस सर्वाइवल का इशू जब आ जाता है तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं और पॉपुलेशन जो है ज़्यादा हो जाती है, तब ये इशू आता है। लेकिन दिक्कत और बड़ी बढ़ जाती है जब पॉलिटिक्स में इसका यूज़ होता है और उसके कारण ये सॉल्यूशन ही नहीं निकल पाता है। सॉल्यूशन हर चीज़ का निकल सकता है लेकिन निकल नहीं पाता है। तो अब देखिए ऐसे में कौन मरेगा, हमेशा मरेगा गरीब, वीक मरेगा, और जिसके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जिसके पास कोई बचाने वाला नहीं है, वो हमेशा वल्नरेबल रहेगा क्योंकि वो अवेयर भी नहीं हो पाता, वो एक विशियस साइकिल में फंस जाता है कि न वो अवेयर रह पाता है, अवेयर नहीं रह पाता था वो, न वो कोई एजुकेशन ले पाता है, न कोई हेल्दी रह पाता है, और न कोई एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ भी ढूंढ पाता है, मिलता है तो उसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, जो एम्प्लॉयमेंट कहीं पर मिल भी जाता है छोटा मोटा तो वहाँ पर वो टॉर्चर होता रहता है, और फिर और गरीबी के कारण दोबारा से इसी विशियस साइकिल में ही वो घूमता रहता है और लाइफ यहीं खत्म हो जाती है। तो अधिकतर गरीब लोगों के साथ में, और गरीबी के साथ में जब सोशल एक्सक्लूजन जुड़ जाता है, रिलीजियस एक्सक्लूजन जुड़ जाता है और एथनिक एक्सक्लूजन जुड़ जाता है, तो ये सिचुएशन बहुत ही सीवियर हो जाती है जो इन लोगों के साथ में चल रही है। अब डिस्ट्रेसिंग साइकिल ये क्यों है, देखिए अभी जो एनआरसी के अंदर जो रूल्स लगाने की बात है, जो रूल्स लगाए जा रहे हैं वो बीवाइल्डरिंग है और ओपेक है, ओपेक मतलब ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है, और जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है और जो बेतुके भी लगते हैं, इलॉजिकल भी लगते हैं। अब देखिए जो फ्यूचर के ऊपर अनसर्टेनिटी है वो सबसे बड़ी है। सोचिए आपको कोई इंसान ये बोले कि आप इस देश में रह ही नहीं सकते हैं, आज हम आराम से रहे, हमें ये चीज़ फील भी नहीं होती है कि मतलब क्या होता है सिटीजनशिप का इशू, ये सब कुछ है, और जब हम कहीं फॉरेन लैंड पर जाते हैं तब वो चीज़ पता लगती है कि कितना बड़ा इशू हो जाता है। और गरीब लोगों के पास में जहां पर शाम का खाने का जुगाड़ नहीं होता है, उनके ऊपर अगर ऐसे तलवार लटक जाए तो फिर उनके लिए कोई बस्ता नहीं है, वो कहां जाए, क्या करेंगे, और सब लोग हम लोग हमारे सामने ऐसे समझता नहीं है, इसलिए अधिकतर जो मेजोरिटी है वो इनके कंसर्न को समझ भी नहीं सकती है, ये भी इशू है। इसलिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की आती है, लेकिन जब स्टेट ही इस तरह से बिहेव करता है तब दिक्कत होती है। मैंने वो बात बताई लिमिट वाली, की लिमिट होती है कि कितना पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर सकते हैं, कितना रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं, अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन हम एक बड़े नेशन हैं, एक बड़े लीडरशिप का रोल दुनिया में ढूंढ रहे हैं, हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, ऐसे में ह्यूमैनिटी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है दुनिया में, लग्जरी गेन करने की, मटेरियलिस्टिक गेन करने की कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन बात क्या होती है कि रोहिंग्या वाला इशू हो, चाहे वो असम वाला सिटीजनशिप वाला इशू हो, दोनों के अंदर एक ही चीज़ लागू हो रही है कि इंटॉलरेंस का इशू है, कुछ लोगों को, कुछ लोगों के लिए इंटॉलरेंस है कि यहाँ पर नहीं रहने चाहिए। और देखिए ऐसे में क्या होता है, ये एथनिक इशूज़ हो जाते हैं, और ऐसे एथनिक इशूज़ के अंदर लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो आपस में उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो स्टेट ही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला एक ऑर्गन होता है जो निभा सकता है और वो इसको सॉल्व कर सकता है। अब उसमें ईमानदारी और उसमें ह्यूमैनिटी का जो एक क्वेश्चन होता है वो सबसे ऊपर होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि देखिए मुद्दे पॉलिटिकल हो जाते हैं इसलिए वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, अदरवाइज दुनिया में कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो बातचीत करके या फिर सॉल्यूशन निकाल के उसका उसको मैनेज नहीं किया जा सके। लेकिन उसमें ईमानदारी ज़रूरी है स्टेट की तरफ से, लेकिन जब वही दिक्कत में आती है तब सबसे बड़ा इशू उठता है।
और जहाँ पर भी हम देखेंगे बड़ी बड़ी पॉपुलेशन जो होती हैं वो रहती हैं, क्योंकि उनको रहना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, सब कुछ होता है, तो कहाँ कहाँ डेंसिटी गई हुई है, 11,000 लोग पर किलोमीटर रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, तो वहाँ भी लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सेटलमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन बात यह कि हम खुद को नहीं बुलाना है, हम खुद नहीं बुला रहे हैं किसी को दुनिया में कि आओ यहाँ पर आके भीड़ करो या फिर यहाँ पर आकर रहो। ना हम रोहिंग्याज को बुला रहे हैं, ना हमने इनको पास्ट में कभी बुलाया है। लोग आते हैं क्योंकि वो पेन में होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम होती है और कोई उनको बस मारने पे तुला हुआ होता है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए किसी के ऊपर होप की दृष्टि से, आशा की दृष्टि से देख के आते हैं कि यहाँ पर हमें शरण मिलेगी। तो देखिए, जब हम खुद से नहीं बुलाते किसी कमज़ोर को भी, गरीब को या फिर किसी को भी, लेकिन जब कोई दरवाजे पर आता है तो हमें उसे मना नहीं करना होता है। उस टाइम पर हम ये नहीं देखते हैं अकोमोडेशन, हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं उसके लिए। और वो तो इशू होता है, जैसे मान लीजिए रोहिंग्या वाला इशू हो गया जब बाहर से कोई आया, लेकिन इस इशू के अंदर तो ऐसा भी है कि अधिकतर लोग जो एक्सक्लूड हैं वो लोग यहीं पर थे, लेकिन सिर्फ एविडेंस नहीं होने की वजह से और इंटॉलरेंस है, रिलीजियस इंटॉलरेंस, उसकी वजह से बहुत लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है और स्टेट की तरफ से इस तरह के रूल्स निकाले जा रहे हैं, वो एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो ये सारी फिलोसफी इस आर्टिकल में भी काम आती है और एक और रोहिंग्याज के ऊपर आया है उसमें भी काम आती है, ठीक है। मेंस में लिखोगे तो आप ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि इसका ये एंगल एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एनआरसी के अंदर अभी ये हुआ था कि जो राइटर हैं उनके साथ में जजेस गए थे, उन्होंने ऑन ग्राउंड मीटिंग ली थी, ठीक है। वहां पर उन लोगों के जो रियलिटी में ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है वो सामने आता है। उन्होंने क्या क्या उनको बताया, वो पॉइंट सामने रख रहे हैं कि एक तो उनको डिनाई किया जा रहा है पूरा ड्यू प्रोसेस जो भी है उनको, चाहे लॉ का हो चाहे कुछ भी हो, वो सारा डिनाइड है उनको, और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पब्लिक कंपैशन। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो बिल्कुल बिजार है इंडिया के अंदर, मतलब शॉकिंग है कि इंडिया में कोई पब्लिक कंपैशन नहीं है, लोगों को दया आ जाती है, कुछ भी होता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पब्लिक कंपैशन बिल्कुल गायब हो गया है। और यही सबसे बड़ा चेंज कुछ टाइम से इंडिया में आ रहा है, जो सबसे ही बड़ा इशू है जिसके अंदर भीड़ को दया आती है, भीड़ जहाँ भी इकट्ठी होती है, लेकिन आजकल लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, लोग अपना चैनल ढूंढ रहे हैं फ्रस्ट्रेशन को निकालने का, और एक दूसरे के खिलाफ हेट और इंटॉलरेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो यहाँ बिल्कुल एविडेंटली देखा गया है। दूसरा ये देखा गया है कि कुछ इतने बेतुकी रूल्स लगाए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, उसकी स्पेलिंग ओमार से ओनार किसी ने लिख दी तो उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, और डेट ऑफ बर्थ किसी की थोड़ी बहुत चेंज हो गई, कोई भूल गया गलती से उसने कोई गलत लिख दी, और या फिर वो मिसमैच कर रहा है पहले उन्होंने जो दे रखा है डॉक्यूमेंट्स में और वो जो वर्बली जो बता रहा है उसमें अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो एक बार बस सुन के उसको कैंसिल कर दिया गया है, दूसरी बार उसे सुना भी नहीं जा रहा है। तो ये हुआ है किसी, कोई 42 ईयर्स का आ रहा है डॉक्यूमेंट्स में, कोई 40 उसने गलती से बता दिया तो उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो ऐसी ऐसी मतलब बिजार चीज़ें हो रही हैं, और इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि थोड़ा सा पॉइंट मिल जाए इनको एक्सक्लूड कर दो, ये चीज एविडेंट है। विमेन के ऊपर ज्यादा टफर है, ज्यादा मुश्किल में है विमेन। एक तो उनका ये होता है कि न स्कूलिंग होती है और न उनको ज्यादा मतलब अवेयरनेस है, नॉलेज है, क्योंकि बाहर निकलने नहीं दिया जाता है और कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट है तो वो वैसे ही डेबिलिटेट है। दूसरा, उनकी शादी हो जाती है तो फिर प्लेस चेंज हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा रीजन उनके लिए होता है, ठीक है। जब तक एडल्ट होती है तो प्लेसेस चेंज होने का भी बहुत बड़ा रीजन होता है, उसके कारण वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन दे, उनके जो इनलॉज हैं या फिर उनके उसके पेरेंट्स हैं वो दें, तो वो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाती है, और उसके नाम पर भी बहुत सारे वीमेन को एक्सक्लूड कर दिया गया है। दूसरा, इन सर्च ऑफ वर्क, कोई काम ढूंढने कोई दूसरे एरिया में जाते हैं, मान लीजिए असम के ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वो लोग जो हैं आपस में काम ढूंढने गए हुए हैं, वो बाहर से भी नहीं आए हैं, इंडिया के बाहर से भी नहीं आए हैं, वो यहीं पर थे लेकिन वो काम ढूंढने दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल सकते हैं वो वहाँ से मिल सकते हैं, इसलिए भी उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि वो टाइम पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। या फिर लोकल पुलिस जो होती है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंटली नेगेटिव यहाँ पर ऐसे है कि वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम से उनको रजिस्टर कर देते हैं कि ये तो बाहर से आए हुए हैं, जबकि वो असम के ही किसी एरिया से आए हुए थे। दूसरा, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाए गए थे, FTs, ठीक है। ये FTs भी बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल काम ये कर रहे हैं कि जैसे कोई दूसरी जगह काम कर रहा है और दूसरी जगह काम जब कर रहा है तो
उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस भी वहीं पर करने होते हैं, वो जो ट्राइब्यूनल है वो इस एरिया में लगता है, जबकि उसका होम टाउन जो है या फिर कुछ जगह जो है प्लेस जो है वो दूसरा है, तो उसको बार बार वहां पर बुलाया जाता है। और बार बार आने में आप देखिए गरीब लोग हैं, बार बार जाएंगे, आने जाने का किराया चाहिए, सब कुछ मुश्किल होती है, लेकिन बार बार उनको इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनको अलग अलग जगह पर जाकर ट्राइब्यूनल्स में जाकर पेश होना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है उनके साथ में। दूसरा, एनआरसी ही एक अकेला इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे चले हैं, जैसे मिड 1990s के अंदर चला था एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस टाइम पर, टी एन सेशन, तो उन्होंने एक ये लगाया था कि इलेक्शन के टाइम पर एक कंट्रोवर्सी उठ गई थी कि भाई अब इनको वोटिंग पावर किस तरह से दी जाए, इनके सिटीजनशिप का इशू ही सॉल्व नहीं है, तो डाउटफुल वोटर्स उनके नाम के आगे डी जोड़ दो कि जो डाउटफुल है, जब तक उनका सेटलमेंट नहीं होता, जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक उनको डी उनके नाम के आगे लिख दो ताकि डाउटफुल वो रहे, और उसके बाद में उनको वोटिंग से डिबार कर दिया जाएगा। अब इसके नाम के ऊपर भी ये टेम्पररी मेजर था और इसको सॉल्व होना था और उसके बाद में उनको राइट्स मिल जाने चाहिए थे वापस से, लेकिन ये सॉल्व नहीं किया और ये ड्रीडेड डी जो है इसके नाम पर भी अभी एक्सक्लूजन किया जा रहा है, तो मतलब जो चीज़ टेम्पररी थी अभी उसको परमानेंट कर दिया गया है और उस परमानेंस के नाम पर उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है। अब देखिए एक्सक्लूड किया तो जा रहा है, लेकिन कितना फेयर आप उन लोगों में होगा, आप सोचिए इस टाइम पर उनकी कंडीशन कि उनको ये फेयर कल को एक्सक्लूड कर देंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि जब सिटीजनशिप नहीं मिलेगी तो स्टेट भी अगेंस्ट है, दूसरा लोग अगेंस्ट हैं ही, लोगों को बिल्कुल ही वो है, और अधिकतर जो है वो रिलीजियस इंटॉलरेंस है क्योंकि दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो होगा क्या, आज जो रोहिंग्या के साथ हो रहा है क्या उनके साथ भी ऐसा ही होगा, तो ये ऐसा डर खाया जा रहा है। और लोग जब देखते हैं, गरीब लोग दिन रात की परेशानी, और फिर देखिए इतने सारे इश्यूज हैं, मतलब कभी साइक्लोन आता है, कभी गर्मी सर्दी सब कुछ होता है, तो न घर है न रहने का कोई सेटलमेंट है, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, ये सारे फियर उनको मतलब बहुत डरा के रखा हुआ उन लोगों को। एक और प्रोसेस भी हुआ था जो मतलब हुआ मतलब चलता है जो इस एक्सक्लूजन को सपोर्ट करता है, वो क्या है कि असम पुलिस उसमें उनको फॉरेनर्स डिक्लेयर कर देती है मन चाहे, जब उनको मन करता है, तो जिनसे भी उनको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी पॉलिटिकल प्रेशर मान लीजिए किसी भी तरह से, वो हम ऑफिशियल नहीं बोल सकते लेकिन एविडेंटली हो जरूर रहा है कि पुलिस जो है उनको फॉरेनर बोल के और सस्पेक्ट में डाल देती है, और उसके बाद में फिर वो सस्पेक्ट जो होते हैं उनको अप्रूव करना पड़ता है खुद को कि आप जो है इंडिया से बिलोंग करते हो, और उसमें फिर हर चीज़ में डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, वो दिक्कत आ जाती है। तो ये जो सारे इश्यूज हैं, जहां पर सस्पेक्ट डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद में कई बार तो डॉक्यूमेंट्स के लिए भी नहीं पूछते हैं, बस सीधा डिनाई करो और सीधा उन अथॉरिटीज़ को बोल दो कि ये फॉरेनर्स हैं, और न उनसे कोई दोबारा क्वेश्चनिंग की गई कि आपका क्या हो क्या नहीं हो, डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, मांगे नहीं जाते हैं उनकी तरफ से, तो फिर सीधा उनको एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है। और वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम क्यों नहीं प्रोड्यूस करेंगे डॉक्यूमेंट, हमें पता है कि हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, और इसलिए हमें जो भी मांगता है हम सबको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाते हैं, कैसे भी किसी भी कॉस्ट के ऊपर चाहे कुछ भी करना पड़े हम करवाते हैं, क्योंकि पहली चीज़ सिटीजनशिप है उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए, तो वो कहते हैं कि हम क्यों नहीं करवाएंगे, हमारे पर झूठा इल्जाम है कि पुलिस हमसे लेती भी नहीं है, मांगती भी नहीं है, और फिर वहां पर हमें एक्सक्लूडेड बताया जा रहा है, तो ये इशू है। अब ये प्रोसेस सारी ओपैक है, इसमें एक्सप्लेनेशन जो भी ये बिजार रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग नहीं दिया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि पहले क्या था कि पहले रिटायर्ड जजेस ये अपॉइंट होते थे इन केसेस को सुनने के लिए इन ट्राइब्यूनल्स वगैरह के अंदर, अभी क्या हो गया है, अब प्रेजेंट जब गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने ये किया है कि लॉयर्स जो है, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स भी हैं, जिन्होंने जो कभी जज हुए ही नहीं है, उनको भी यहाँ पर ये मुद्दे सॉल्व करने के लिए बिठा दिया गया है और ये सुनने के लिए बिठा दिया गया है, और उसके अंदर ये बता रहे हैं कि अधिकतर रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं वो या फिर राष्ट्रीय सेवक संघ से बिलोंग करते हैं, और क्योंकि इसके अंदर रिलीजियस एंगल है तो ये कनेक्शन बताया जा रहा है कि ये लोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, और वहाँ पर जो पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की है उनको मतलब सपोर्ट करने के लिए, उनका वोट गेन करने के लिए ये सब सारी एक्सरसाइज जो है वो यूज़ की जा रही है, और बहुत हैवी स्केल के ऊपर ये यूज़ हो रही है। दूसरा, जैसे जिसके अंदर एक ये इशू ये था जो जिसका प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि जो नॉन मुस्लिम्स जो है, बाकी कैटेगरीज हैं, चाहे हिंदूज हों, चाहे सिख्स हों, जैन हों, बुद्धिस्ट हों, ये जो परसिक्यूटेड हो रहे हैं आसपास के एरियाज में, कंट्रीज़ में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, और यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, तो उनको यहाँ पर सिटीजनशिप दी जा रही है, तो ये बिल्कुल क्लियर एक रिलीजियस एंगल इसमें आ गया है, ठीक है। और इस एंगल के कारण ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई है कि स्टेट इस तरह से डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकता है, ये तो प्रॉपर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, और ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है, हम क्लियरली ओपनली मतलब हमने रूल निकाल रखा है कि जो
लोग हैं वो इन कम्युनिटी से आ सकते हैं जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं, तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये सपोर्ट करना किसी माइनॉरिटी को या फिर किसी प्रॉब्लमेटिक सेक्शन को ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें रिलीजियस एंगल डाल देना ये एक बड़ा मुश्किल इशू है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है धर्म देखकर किसी के साथ स्पेसिफिकली प्रॉब्लम नहीं है, और है भी तो उसके अंदर ऐसा भी है कि उन दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिनको आप एक्सक्लूड कर रहे हो, तो उनका क्या अगर वो आपके गेट पे आते हैं, तो ये रिलीजियस एंगल इसमें बहुत बड़ा इशू है। दूसरा जो ये डी वोटर्स वाला इशू, ये मैंने आपको क्लियर किया। दूसरा आर्टिकल 20 की अगर बात करें, इंडिया के अंदर जो आर्टिकल है उसके अंदर ये है कि एक को जब सजा मिल गई तो डबल जेओपर्डी नहीं हो सकती है, दो बार किसी एक क्राइम के लिए आपको सजा नहीं मिल सकती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 के अंदर फंडामेंटल राइट में दिया गया है, ठीक है, ये होता है। मान लीजिए एक एफटी ने अब किसी को इंक्लूड कर दिया, ठीक है, पास कर दिया कि हाँ इनको सिटीजनशिप देनी चाहिए, सेम वही एफटी दोबारा से उनको उस चीज को अवॉइड कर सकता है, नल कर सकता है, वो ये बोल सकता है कि इनको एक्सक्लूड करो विदाउट अ रीजन, उसको कर देते हैं, कोई ना कोई सस्पेक्ट का पॉइंट उठा के उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, या फिर एक ने कर दिया तो दूसरा ट्राइब्यूनल उसको एक्सक्लूड कर सकता है, तो या तो वो खुद या फिर कोई दूसरा ट्राइब्यूनल, दोनों ही एक्सक्लूड कर सकते हैं उसको एक ही सीरीज के अंदर, ठीक है, पहले उसको इंक्लूड किया गया लेकिन वही उसको बाद में एक्सक्लूड भी कर देते हैं। एक कुछ एफटीज के अंदर ये देखा गया है कि जो जब से मैंने ये बताया कि जो ये एक पॉलिटिकल एंगल इसमें आया है कि जो कुछ लोग जो जजेस भी नहीं है और उनको अपॉइंट कर दिया गया, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको भी अपॉइंट कर दिया गया है जज बना के इन ट्राइब्यूनल्स के अंदर, तो बहुत सारी एफटीज ऐसी हैं जहां ये काम कर रहे हैं उसमें एक भी इनमें से कुछ जो लोग हैं जो वीकर सेक्शन है उनमें से एक को भी नहीं इंक्लूड किया गया है। कुछ में तो ये है कि टोटल उनको टारगेट्स दे दिए गए हैं, इनफॉर्मल टारगेट्स कि आपको एक्सक्लूड करना है कम से कम इतनों को, तो वो टारगेट करके एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सारे बहाने ढूंढने जा रहे हैं। तो सिंगल पर्सन को भी उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, सिटीजनशिप अवार्ड नहीं किया है, तो ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बात है और ये पॉलिटिकल एंगल, ये प्रेशर जो है वो एविडेंट है यहां पर। अब दूसरा, स्टेट ये भी हमें वो करता है, सिक्योर करता है सिटीजन्स को भी और बाहर के लोगों को भी कि किसी का भी राइट टू लाइफ वगैरह जो होता है और एक इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ये फंडामेंटल राइट्स है। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स को अलग करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हैं जैसे राइट टू लाइफ है वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल होगा, सिटीजन्स को ही नहीं अवेलेबल होगा अकेला, लेकिन यहां पर सारे नॉर्म्स ही फ्लाउट हो रहे हैं क्योंकि अभी आप फॉरेनर भी मानेंगे तो भी बहुत सारे नॉर्म्स जो है टोटली ओपनली फ्लाउट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है वो एक और दिक्कत में फंस गए हैं कि लॉयर्स को बहुत सारा पैसा पे करना पड़ रहा है उनको बार बार, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, अपना कोई केस रखते हैं, कोर्ट्स वगैरह में जाते हैं, तो बार बार इन ट्राइब्यूनल्स के अंदर उनको लॉयर्स को पैसा देना पड़ रहा है और वहां पर लोकल लॉयर्स उनसे बहुत पैसे मार रहे हैं इस तरह से करके, क्योंकि एक तो वो एजुकेटेड नहीं है, उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जैसे तैसे वो पैसा अरेंज करके लाते हैं और उसके अंदर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, जितना वो उनकी औकात भी नहीं है बेचारों की, वो उतना उनको पे करते जा रहे हैं। तो ये एक मतलब यहाँ से भी प्रॉफिटियरिंग का काम चल रहा है, कितना फायदा उठाया जा रहा है। और इम्पॉवरिज तो पहले से ही है और गरीबी में फंसते जा रहे हैं, इधर उधर से पैसा लेते हैं, महाजन वगैरह से पैसा उधार लेते हैं, तो और इंडेंटेड लेबर का एक बहुत बड़ा इशू और खड़ा हो गया कि बहुत सारे फिर इस तरह से फंस जाएंगे। अगर कल को वो रह भी पाते हैं, सिटीजनशिप भी मिल पाती है, तो वो बंधुआ मजदूर की तरह यहाँ पर रहेंगे क्योंकि इतना पैसा उनका खर्च हो गया है इस सारे एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ कैसे भी हो जाए। तो देखिए कैसे स्थिति है और इंडिया कैसा देश है, इसकी कैसे फिलॉसफी है, कैसी हमारी इमेज दुनिया में हमने बनाई थी, और यहाँ इस तरह का जो एक्सरसाइज चल रहा है वो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी दिखती है, डॉक्यूमेंट्स या फिर ऑफिशियल डेटास के अंदर ये चीज़ सामने नहीं आती है। तो यहाँ पर जो राइटर वो खुद ग्राउंड पे गए हैं, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो वो किस तरह के इस ब्यूरोक्रेटिक मेज में एक भूल भुलैया में फंस गए हैं और इन एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और इन सब के अंदर और उनके पॉइंट्स उठा उठा के उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो ये पूरी हॉस्टिलिटी है और एक बायस बिल्कुल क्लियर है उनके अगेंस्ट में, ठीक है। और स्टेट खुद स्टेटलेसनेस डिक्लेयर कर रहा है, ये कह रहे हैं इंडिया में ये पहले कभी भी नहीं हुआ था, न कहीं भी दुनिया में देखा जाता है, न देखा गया है कि स्टेट खुद स्टेटलेसनेस डिक्लेयर कर रहा है ऑफिशियली। अब जैसे रोहिंग्यास का इशू था, वहाँ म्यांमार में एथनिक क्लिंजिंग सब कुछ हुआ, लेकिन इसमें जो पॉइंट निकाल निकाल के एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बहुत सारे लोगों को स्टेटलेस किया जा रहा है, जो कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हम यहीं पर रह रहे हैं,
कई सौ सालों से, बस डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये दिक्कत है। और आप देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन रखता है, बहुत ही कम लोग जो है कई सालों से, जो 50 60 40 सालों से रह रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इतने संभाल कर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि एक तो बार बार घर चेंज होते रहते हैं, इतने सारे इश्यूज़ हैं और गरीबी है, तो कहाँ उनके पास सिक्योर प्लेसेस हैं ऐसे कि वो इनको सेव कर सके। तो ऐसे में बहुत बड़ी इशू वो ये लोग फेस कर रहे हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि स्टेट इटसेल्फ प्रोड्यूसिंग स्टेटलेसनेस। अब ये हमें सोचना होगा कि हमें किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से पॉलिटिकली आगे इसको मूव करना चाहिए, और ह्यूमैनिटी जो है उसको नहीं बिल्कुल भी हम भूलें, वरना जो ये माहौल चेंज होता जा रहा है, देखिए कहाँ कहाँ पे ये कॉन्सिक्वेंस लेके आता है। अगला ही आर्टिकल बहुत इससे रिलेटेबल आर्टिकल है, जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को डिबार कर दिया गया है और वो दिक्कत में फंस गए हैं, वहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया है यूएसए के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल देखते हैं। अब देखिए सेम चीज़ कैसे इंडिया के सामने आती है। US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, इसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और वहां पे ये देखा, देखिए एक अमेरिकन ड्रीम की जो बात होती है वो बहुत एक इंटरनेशनली एक फिनोमेना डिस्कस होता है कि सब लोग अमेरिका में जाके सेटल होना चाहते हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं और डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सारे मतलब सपोर्ट सिस्टम्स हैं वहां पर अच्छे, और सिटीजन्स वहां पर ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, ये एक कॉमन थिंकिंग होती है, लेकिन ऐसा रियलिटी में कितना है वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अमेरिकन ड्रीम जरूर होता है। इंडिया से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने भी जाते हैं वहाँ पर, जॉब फिर लास्ट में तलाशने जाते हैं, और यहाँ ये भी सोचते हैं कि वहाँ पर सेटल हो जाएं, क्योंकि बेटर पाते हैं बहुत सारी कंडीशंस हमारे देश से, तो ये भी होता है। तो 129 इंडियंस जो हैं स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पर जॉब सीख कर रहे थे, उनको इस स्टिंग ऑपरेशन में ये पाया गया कि इनके पास कुछ वीज़ा का फ्रॉड हुआ है और जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनको अरेस्ट किया गया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन केस ये के नाम से फेमस है, फार्मिंगटन की यूनिवर्सिटी, वहां पर ये हुआ था। तो यहां पर ये देखा जाएगा कि एक I-20 स्टूडेंट डॉक्यूमेंट है और उसके बेसिस के ऊपर कुछ रिक्रूटर्स होते हैं जिसके थ्रू ये जाते हैं, जो वहां पर मतलब कुछ एनआरआईज हैं जैसे अमेरिका में, और वो फिर उनको रिक्रूटमेंट वगैरह दिलवाने के अंदर, एम्प्लॉयमेंट वगैरह दिलवाने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन वहाँ पर कई तरह के फ्रॉड्स होते हैं। वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स का मतलब मान लीजिए फ्रॉड, जैसे I-20 है, ये सिक्योर नहीं हुआ उनके लिए, ठीक है, तो फॉरेन लैंड है, केस दो हो सकते हैं, या तो खुद ने फ्रॉड किया है इंटेंशनली स्टूडेंट्स ने जो जॉब सीख करना चाहते हैं वहां पर, या फिर रिक्रूटर्स ने उनको बेवकूफ बनाया। दोनों ही केस में नुकसान ये है कि फॉरेन लैंड के ऊपर उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब ये 8 रिक्रूटर्स जो हैं इनको भी इंडाइट किया गया है और इनको भी अरेस्ट किया गया है। अब ऐसे में जो यूएस के इमिग्रेशन लॉज हैं, देखिए बहुत स्ट्रिक्टनेस चल रही है हर जगह, कंजर्वेटिज्म का इशू है। देखिए मैक्सिको के ऊपर तो इतने सारे बात रीजंस की वजह से पूरा वॉल खड़ी करने की बात है, सबसे बड़ा इशू हो गया है यूएस की हिस्ट्री के अंदर वो, और जहां शटडाउन हुआ है हिस्टोरिकल यूएस का, सिर्फ इस इशू के ऊपर कि यहां पर इमिग्रेशन जो होता है वो इलीगल होता है, वो दिक्कत है। तो ऐसे माहौल के अंदर इमिग्रेशन के ऊपर सारी बात टिकी हुई है, वो रीजन अलग है कि ड्रग पेडलर्स वाला वो सारा इशू है मैक्सिको के साथ में, लेकिन वैसे भी जो डेंसिटी राइज कर रही है और वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है वो ये शिकायत करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सारा इनको ही मिल जाता है, हम लोग जो है एक्सक्लूड हो जाते हैं, और ट्रंप का सारा जो पॉलिटिकल जो सर्वाइवल है वो सारा वहाँ की जो अमेरिकन जो लोग हैं, वाइट अमेरिकन जो लोग हैं उनके साथ ही वो सपोर्ट उस पर ही टिका हुआ है, क्योंकि उनका यही सबसे बड़ा इशू था कि जो बाहर से जो लोग आके भर गए हैं हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, और इस चीज़ को कंजर्व करो, कंजर्वेटिज्म के रास्ते पे थोड़ा सा चलो, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सारा उसी के ऊपर फोकस्ड है, इसलिए नॉर्म्स जो इमिग्रेशन पॉलिसी वगैरह के हैं वो भी सारे उसी हिसाब से ही बन रहे हैं और बहुत टाइट हो रहे हैं। H-1B वीज़ा वाला इशू हमने देखा था, उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे इशूज़ आए थे, उसके बाद दोबारा से क्लैरिफिकेशन आया था कि अमेरिका सपोर्ट करेगा जो कि इंटेलिजेंट और प्रॉपर सिटीजन्स बन सकते हैं फ्यूचर में, और जिनके अंदर क्वालिटी है और जो यहाँ पर डेवलपमेंट को बूस्ट करेंगे उनको रोका नहीं जाएगा। तो दोबारा से क्लैरिफिकेशन इसमें देना पड़ा था ट्रंप को, लेकिन अभी ये जो इशू है इसके अंदर बख्शा नहीं जा रहा है और बख्शा नहीं भी जाएगा, क्योंकि उनकी पॉलिसी प्रोटेक्शनिज्म की और टाइट पॉलिसी चल रही है, ठीक है। ऐसे में अब ये इशू आता है कि कहीं ना कहीं इतना फेयर भी नहीं है ये जो ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को इस वीज़ा क्रैकडाउन के नाम के ऊपर जो अमेरिका ने किया है, और ये चीज़ पहले भी होती नहीं, लेकिन अभी सामने इसलिए आ गया है क्योंकि ये प्रॉपर स्टिंग ऑपरेशन पहली बार हुआ है, ठीक है, जो कि वहां के मिशिगन स्टेट ने करवाया है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं, एक तो फ्यूचर में जो एस्पायर करेंगे, जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो काफी अवेयर हो गए और उनको काफी एप्रीहेंशन हो गए हैं और प्रेजुडिस खड़े हो गए उनके लिए भी कि कहीं कभी ऐसा इशू हमारे साथ भी तो नहीं हो जाएगा और कोई हमें इस तरह से ठग तो नहीं लगा, बेवकूफ तो नहीं बना देगा, या फिर
कोई अगर एस्पिरेशन रखते हैं किसी भी तरह से वहां पर एस्टेब्लिश होने की, तो उनके ऊपर थोड़ा सा ये दिक्कत आ सकती है अभी, ठीक है, नॉर्म्स थोड़े से टाइट हो गए हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन को बेटर करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी, एम्बेसीज के साथ में भी, और खासकर इंडियन पॉलिसी मेकर्स को एक बहुत बड़ा लेसन यहाँ से ये मिल रहा है कि कोई गारंटी नहीं है दुनिया के अंदर, बाहर के डेवलप्ड नेशंस के अंदर, कि वो हमेशा पहले की तरह ही अलाउ करें दूसरे देशों से लोगों को यहाँ पर सेटल होने के लिए, चाहे वो टैलेंटेड ही क्यों ना हो, चाहे वो कैसे भी हो, जॉब सीख करने के लिए अगर कोई आ रहे हैं तो वो पहला प्रायोरिटी अपने लोगों को देना चाहते हैं। सब लोग, हर दुनिया में यही चीज़ चल रही है, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और एस्पिरेशन और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इंडिया में ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं कि यहाँ पर लोगों को जॉब मिले इंडिया के अंदर ही, और लोग परेशान होकर बाहर नहीं जाएं, खासकर पढ़े लिखे लोग, यूथ बाहर फ्लो करने की ना सोचें, अपॉर्चुनिटीज़ होम पर ही क्रिएट की जाएं, क्योंकि अपने ही घर में काम चलेगा इन दी एंड, क्योंकि दुनिया इस तरह से चलती जा रही है, डेवलप होती जा रही है कि प्रोटेक्शनिज्म ही राइज के ऊपर है। तो ऐसे में हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और जहां हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटीज़ अगर डेवलप नहीं करी अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए इंडिया के अंदर, तो सर्टनली ये एक जुमला बन के रह जाएगा। और दूसरा और प्रॉब्लम इसलिए भी बढ़ जाएगी क्योंकि बाहर के देशों में ये नॉर्म्स टाइट होते जा रहे हैं, तो अलाउ भी नहीं किया जाएगा, तो फिर होगा क्या, फिर यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन राइज होगा। ये सबसे बड़ा इशू है, ये सबसे बड़ी इससे लर्निंग भी है इस इशू से, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अमेरिका हैज लॉस्ट द अफगान वॉर। अफगान वॉर के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं लास्ट मंथ के अंदर, इतने सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। इस आर्टिकल में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी गई है पास्ट के ऊपर ही, हिस्ट्री के ऊपर ही। ये मेन कहने का मकसद ये है राइटर का कि अफगानिस्तान एक ऐसा लैंड रहा है जो जियोग्राफी और जियो लोकेशन, जो जियोपॉलिटिकल जो उसका लोकेशन है और जो उसका इशू है, वो उसका एक डिसाइडिंग फैक्टर है उसके फेट का। अफगानिस्तान एज ए कंट्री हमेशा थ्रू आउट द हिस्ट्री उसके ऊपर अटैक्स हुए हैं, उसको यूज़ किया गया है लैंड को, लेकिन ये भी हुआ है कि कोई भी पॉजिटिवली वहाँ पर फ़ायदा भी नहीं उठा पाया है। हिस्टोरिकली जो भी वहाँ पर आया है उसको नुकसान और ह्यूमिलेशन ही मिला है इन दी एंड। अब ये चीज़ आ रही है जब यूएसए का विड्रॉल की बात है और यूएसए टोटली एज ए लॉस्ट हो गया है उसके लिए वॉर, ये राइटर कह रहे हैं। और तालिबान राइज पर है पूरा, जिस तालिबान को ख़त्म करने के लिए, जिन सारे टेरर ग्रुप्स को एंड करने के लिए यूएसए ने सारा मुहिम वॉर ऑन टेरर के नाम से, वॉर ऑन टेरर के नाम से 2001 में स्टार्ट किया था अटैक्स के बाद में। आज वो वॉर ऑन टेरर में स्थिति ये हो गई है कि वो जो ग्रुप है तालिबान वो सबसे मजबूत हो गया है, और यूएसए उसकी सारी कंडीशन मानने के लिए मजबूर हो गया है, न वो अफगान गवर्नमेंट को कुछ मान रहा है, और यहाँ पर तालिबान जो कह रहा है उसकी पूरी पूरी चल रही है। ये भी हो गया है कि इतना ह्यूमिलेशन, इतनी अपने 2000 से ऊपर जो फोर्सेस हैं उनको लॉस करने के बाद में, उनके लाइफ लॉस करने के बाद में, और $850 बिलियन के आसपास वेस्ट करने के बाद में अफगानिस्तान में अमेरिका को कुछ हासिल हुआ नहीं है, इसलिए वो मजबूर हो गया है तालिबान से पूरा पैक्ट करने के लिए, उनके साथ पूरा नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए। तो ऐसे में तो तालिबान और मजबूत हो जाएगा, तो फ्यूचर के अंदर तालिबान और ज़्यादा आंखें दिखाने वाला है और अपनी चलाएगा वो अफगानिस्तान के अंदर। जो भी कुछ रहा है पिछले टाइम में 20 सालों में उसका बदला भी वो लेना चाहेगा, क्योंकि उसने उस फोर्स को हरा दिया है एक तरह से अमेरिका को, जिस फोर्स ने उसके खिलाफ ही लड़ाई छिड़ी थी, और उसी तालिबान को अब मौका मिल गया है इसी के ऊपर ध्वंस दिखाने का। तो वो पूरा पूरा ध्वंस दिखा रहे हैं, अपनी कंडीशन लगा रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं साथ देने वाला है तालिबान का, क्योंकि तालिबान तो पूरा पाकिस्तान के साथ ही खड़ा हुआ, पाकिस्तान का ही सपोर्ट से ही खड़ा हुआ तालिबान, तो आज उसको भी मौका मिल गया है। तो ये दोनों ही, पाकिस्तान और तालिबान दोनों ही प्रॉब्लम में थे, लेकिन आज यूएसए के सामने ये मजबूत खड़े दिखते हैं इस इश्यू के अंदर। अब पास्ट की बात करें तो देखिए, पहले एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, ग्रेट गेम के नाम से एक चला था मूव, जिसमें यह था कि वो एक्सपांशन कर रहा था ब्रिटेन, और जब अफगानिस्तान की लोकेशन है, अब आप मैप का क्वेश्चन भी है, आप अफगानिस्तान की लोकेशन देखना, लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, इंडिया है पूरा, और फिर इधर पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है, और ये अफगानिस्तान यहां पर है। तो ये अफगानिस्तान का जो लोकेशन है ये बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इधर ऊपर जाके यूएसएसआर था पहले, तो जो अब रशिया है इसके ऊपर, तो नॉर्थ से ये आते थे, वेस्ट से सारा ये था, और ब्रिटिश तो सारा कॉलोनी ये थी ही, इंडिया पाकिस्तान सारा कंबाइंडली। तो इन लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर, एंग्लो अफगान वॉर हुई थी 1839 से 1842 तक पहली वॉर चली थी, इसके अंदर इतना भयंकर ह्यूमिलेशन हुआ था कि एक ब्रेडन नाम के मेडिकल ऑफिसर बस एक अकेले बचे थे 16,000 सोल्जर्स में से, सिर्फ अकेला वो एक इंसान बचा था, इतना बड़ा ह्यूमिलेशन हुआ था। उन्होंने अटैक कर दिया था वहां पर जो अफगानिस्तान में जो वहाँ का रूलर था उसके ऊपर, और बाद में उन्होंने रिटेलिएट किया, तो
तो वहां के जो ट्राइबल्स हैं वो एक तो इतने खूंखार है और वो उनका कॉम्प्लेक्स इतना रिलेशन है मतलब आपस में ग्रुप्स का कि वो एक हो जाते हैं और फिर उन्होंने बहुत ही ब्रूटल अटैक किया था ब्रिटिश अटैक के ऊपर जो इन्होंने कोशिश की थी पूरा ओवर पावर करने की, तो 16,000 लोगों को पूरा काट दिया था, सिर काट दिए थे उन सबके, और वो एक इंसान बस वो सर्वाइवर एक मेडिकल ऑफिसर वहां से जान बचा के अपनी भाग के आया था। तो ये तो हुआ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का रिजल्ट। दूसरी बात, 137 साल के बाद में सोवियत यूनियन जब यूएसएसआर था उसने कोशिश की 1970s के एंड के अंदर, तब उसने ट्रूप्स भेजी और उसके बाद ट्रूप्स का हुआ क्या, उनके साथ भी यही सामने आया कि वो भी ओवर पावर नहीं कर पाए, वहाँ पर जो ट्राइबल इक्वेशन थी वो ख़राब हो गई। दूसरा यूएसए का फैक्टर आ गया वहाँ पर उस टाइम पर, और यूएसए ने भी जो मुजाहिदीन जो ग्रुप्स थे जो कि बाद में इस एरिया के अंदर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हैं मुजाहिदीन ग्रुप, वो यूएसए ने खड़ा किए यूएसएसआर के अगेंस्ट में, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी, हथियार वगैरह दिए, तो मुजाहिदीन को ये सारा ट्रेन किया यूएसए ने ही, किसके खिलाफ में, यूएसएसआर के खिलाफ में, और इन दी एंड यूएसएसआर को भी वहां से भागना पड़ा, उनको भी ह्यूमिलेशन मिला, और क्या नाम, एक डेकेड के बाद में उनको वहां से विड्रॉ करना पड़ा था यूएसएसआर को भी, 80s के अंत तक आते आते। उसके बाद 2001 में ये वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुआ था अमेरिका की तरफ से, तो इनको क्या मिला, आज 19 साल बाद वो फेल्ड है पूरे पूरे। तो ये चीज स्टार्ट हुआ था हिस्टोरिकली बहुत पहले ही, उसके बाद ग्रेट गेम जब ये ब्रिटेन वाला आया था तब ये दिक्कत हुई थी, बहुत बड़ा मतलब एक ह्यूमिलेशन मिला था इस इतनी बड़ी पावर ब्रिटेन को अफगानिस्तान के अंदर ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा, वो एक बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन था। वहाँ का जो ग्रुप था जो लीडर था उसके बेटे ने इतना ऑर्गेनाइज किया उन ग्रुप्स को, और ब्रिटिश वाली फौजें जिनके पास सारे हथियार वगैरह सब कुछ थे उनको सबको मार के वहां से भगाया। रशिया से डर था ब्रिटेन को उस टाइम पर, जब ये 19th सेंचुरी के अंदर ये ग्रेट गेम चल रहा था, तो रशिया से डर था ब्रिटेन को कि रशिया ऊपर से आएगा और मेरी जो बाउंड्री है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, जो डूरंड जो जिसको बोलते हैं डूरंड लाइन जिसको बोलते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान है, तो यहां पर वो दिक्कत खड़ी कर सकता है मेरी कॉलोनी के अंदर, क्योंकि रशिया भी बड़ी पावर था उस टाइम पर, और आगे जाकर जो उस टाइम पर मतलब 19th सेंचुरी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पावर था रशिया, तो इसका डर था अमेरिका ब्रिटिश लोगों को, तो इसलिए उन्होंने यहां पर कोशिश की थी अफगानिस्तान के अंदर यहां के लीडर को हटा के और अपना पावर एस्टेब्लिश करने की, ताकि वो रशियंस को डिफाई कर सके, यहां से उनको रोक सके, लेकिन ये नहीं हुआ। और दोनों के साथ ही फिर पहले ही ब्रिटेन के साथ में, उसके बाद 140 साल बाद रशिया के साथ में सेम चीज हुई, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो भी आया है उसको लॉस ही लॉस हुआ है, और अब इतने साल बाद में 17 साल के फाइटिंग के बाद में यूएसए इज स्टैंडिंग नोवेयर, और वो पूरा पूरा सरेंडर्ड है एक तरह से तालिबान के सामने। अब बड़ा नेशन इसलिए ओपनली इस चीज को कंसीडर नहीं कर सकता, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन जो है, प्रैक्टिकल जो आउटपुट यहां से निकल के आ रहा है वो टोटली यूएसए के अगेंस्ट है, टोटली यूएसए इसमें डिफीटेड है, $877 बिलियन उसके खर्च हो गए हैं, ठीक है, और उसमें अफगान सिविलियन जो है वो भी 20,000 मर चुके हैं, और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का आज कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो है नाम की गवर्नमेंट है लेकिन उसका पावर नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो तालिबान का ज्यादा है वहां पर, और वो किसी भी जगह पर पूरे देश में अटैक करा सकता है तालिबान, ये उसके आज कैपेसिटी है, अमेरिका की कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने पहले विड्रॉ करने का डिसीजन लिया लेकिन फिर 2017 में दोबारा से तालिबान को ही कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस बढ़ाई यूएसए ने, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, वो फिर से नुकसान में खड़े हो गए अमेरिका वाले, और आज फिर ये स्थिति है जो आपके सामने है। तो इस अनसस्टेनेबल वॉर से ये मतलब निकलता है कि ये जो जियोग्राफी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी बाहर की पावर के लिए ये फेवरेबल नहीं रही है, तो इस प्लेस को स्टेबल करना जरूरी है, और अब तालिबान का मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको पॉजिटिवली टैकल करना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, और वो एक नेगेटिव पावर रहा है पास्ट के अंदर, वो एक टेरर ग्रुप रहा है, और पूरा सारे लोग को हमने देखा था जो वीडियोज आते हैं कि 90s के अंदर कैसे सड़क पर बिठा के गोली मार देते थे, और ये सब चीज़ें तालिबान के साथ ही एसोसिएटेड थी। तो तालिबान अगर वैसा ही तालिबान बन के आता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है इस पूरे रीजन के अंदर, क्योंकि जब अमेरिका फेल हो गया यहाँ पे आके तो फिर कोई दूसरा हाथ नहीं डालने वाला है यहाँ पर, और ऐसे में हम तो पहले ही कोशिश हैं उसके लिए, और हमारा डिमांड लगातार यूएसए कर रहा है कि आप यहाँ पर आइए, चाइना और हम दोनों ही यहाँ पर थोड़ा बहुत लिमिटेड स्केल के ऊपर कोऑपरेशन के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर जाकर ये काम करना, क्योंकि पाकिस्तान बीच में है और हमारे लिए सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ऐसे में तालिबान का फैक्टर बहुत ही क्रूशल होता जा रहा है, और एज अ रिजल्ट ये होगा कि वो अपना
पूरा ग्रज भी निकालेगा तालिबान, लेकिन अगर वो पॉजिटिवली रोल निभाता है तो वो बहुत अच्छा स्टेबलाइज भी कर सकता है इस पूरे एरिया को। उसके पास पॉलिटिकल पावर भी आज है, लेकिन अफगान गवर्नमेंट जो है उसके वो टोटल अगेंस्ट है, वो फिर टोटल यहाँ पर फेल होगी, ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये सिचुएशन तालिबान की है। इन दी एंड अमेरिका पूरा हार गया इस वॉर को, ये कहना है राइटर का। और वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको पूरा समझाया है कि अश्योरेंस तालिबान ही दे रहा है आज के दिन, और लेना पड़ रहा है सारी पावर्स को वहां पर। नेक्स्ट आर्टिकल है रॉन्ग ऑन द रोहिंग्यास। अब जो मैंने डिस्कस किया आपसे जो ह्यूमैनिटी का इश्यू, वही है इसमें। कुछ ऑफिशियल टर्म्स ये है कि कन्वेंशन जो एक रिफ्यूजीज का है 1951 के अंदर हुआ था, हम उसके सिग्नेटरी नहीं है। और ये रिफ्यूजी लॉ जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का ही एक पार्ट है, क्योंकि ये जो 1951 का जो आया था फिर रिफ्यूजी वाला, ये 1948 का जो एक ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन जो था यूएन का, उसी के आर्टिकल 14 के ऊपर ये बेस था, इसी से निकल के आया था। तो अलग से हम सिग्नेटरी इसके नहीं है, लेकिन हम इसके सिग्नेटरी हैं। तो ये कह रहा है कि ये एक चीज़ है जो कस्टमरी है, जो कि लागू होती है उन नेशंस के ऊपर भी जो कि इसके सिग्नेटरी नहीं है, जैसे इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया है। और अब जो रोहिंग्यास के इशू के अंदर क्या हुआ है कि यूएनएचसीआर ने रिपोर्ट मांगी है, और ये बोला है कि अक्टूबर 18 तक जो हमने कितना रिपेरेशन किया या फिर कितना डिपोर्टेशन का इशू कितना सॉल्व किया, और कितने लोगों को हमने यहाँ पर कोई सेटल किया, या फिर रिफ्यूजी लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या काम हुए हैं, उसकी रिपोर्ट मांगी है। अब उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं निकल के, कि अभी तक ये इशू एक बार उठा था, अब ये फिर से दब गया और ज़्यादा कुछ बात नहीं है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वाला जो इशू है वो ज़रूर चल रहा है सेम एरिया के अंदर, वहीं पर इनकी पॉपुलेशन भी आई थी। और आपको बताया कि बांग्लादेश बीच में पड़ता है म्यांमार के और इंडिया के, तो बांग्लादेश के होते हुए बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन ये भी सब न्यूज़ सामने आई थी कि बांग्लादेश ने हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा रोल निभाया है एक छोटा नेशन होते हुए भी रोहिंग्यास के मामले के अंदर। और कॉक्स बाजार वगैरह का जो एरिया था उसका, वहाँ पर उसने कॉलोनी भी उसकी बनाई थी जो आईलैंड है वहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप उसने उठाए थे, लेकिन इंडिया के इतने पॉजिटिव स्टेप विजिबल नहीं हुए हैं। ठीक है, ये एक पास्ट का इशू था और उल्टा पॉलिटिकल इशू एक जरूर बन गया था बहुत बड़ा। अब इस इशू के अंदर जो मैंने उस आर्टिकल एनआरसी वाले के अंदर आपको बताया था कि ह्यूमैनिटी वाला जो ग्राउंड है वो सारा राइटर ने यहाँ पर बोला है कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है और हम एक बड़े नेशन है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो जब म्यांमार में ओपनली ये एथनिक क्लिनजिंग चल रही है और इस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी बनती है कि हम कम से कम टेम्पररी मेजर्स के ऊपर उनकी हेल्प करें। और ये तो बात थी मतलब ह्यूमैनिटी की और एक नेचुरल जस्टिस की, लेकिन इन कन्वेंशंस के थ्रू भी हम बाइंड हैं, हम टोटली फ्री नहीं है इनसे। यूएनएचसीआर जो कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज जो है वो 2007 का जो उससे पहले का है, सॉरी जो 2007 का जो एनएचसीआर जो है उसमें भी ये बोला गया है कि ये प्रिंसिपल बाइंडिंग है सारे स्टेट्स के ऊपर, चाहे वो 1951 वाला जो रिफ्यूजी का जो कन्वेंशन है उसके सिग्नेटरी हो चाहे नहीं हो, चाहे 1967 प्रोटोकॉल के रिफ्यूजी के सिग्नेटरी हो ना हो, क्योंकि देखिए इंडिया ना तो 51 का है ना 67 का है, 67 का यूएसए है और इंडिया दोनों का ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं इंडिया इस जिम्मेदारी से मुक्त इसलिए नहीं हो सकता ये बोल के कि हम इसके सिग्नेटरी नहीं है, ये कह रहे हैं कि यूएनएचसीआर भी बाइंड करता है कि जो इसके नहीं सिग्नेटरी हैं वो भी बाइंडेड हैं इसमें। इसमें होता क्या है कि इंटरनेशनल सीन के ऊपर ये होता है कि कोई रिफ्यूजी अगर आते हैं किसी कंट्री के अंदर तो पहली बात तो वो उसको मना नहीं करेंगे, हालांकि इसको पूरी तरह से इम्पोज तो कर नहीं सकते इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कोई उसको मैंडेटरीली फोर्स भेज के तो ये अप्लाई कराया नहीं जा सकता है कि कोई देश को कि आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन रिफ्यूज अगर करते हैं तो फिर दिक्कत आती है, लेकिन वैसे लेना चाहिए और लेना ये एक तरह से कंडीशन भी है उनके ऊपर। और दूसरा, उसके अंदर वो उसको दोबारा से उसी कंट्री में नहीं भेज सकते हैं जहां से, मान लीजिए म्यांमार है, म्यांमार से अगर उनको पुश किया जा रहा है, वहां से उनको भगाया जा रहा है और उनके ऊपर सारे तरह के, चाहे रिलीजन बेस्ड हो, चाहे कोई एथनिक बेस्ड हो, जो कोई भी इशू लगा के, चाहे ओपिनियन बेस्ड भी इशू क्यों ना हो, उनको अगर भगाया गया है तो वो मान लीजिए इंडिया के पास आते हैं तो इंडिया उनको वापस से म्यांमार नहीं भेज सकता, क्योंकि वहां से तो वो आए हैं, वहां पर तो प्रॉब्लम है अभी, जब तक ये सेटल नहीं हो जाती है, जब तक उनकी सिक्योरिटी सेफ वहां पर नहीं हो जाती है, तब तक वो आप दोबारा से म्यांमार नहीं भेज सकते उनको। ये एक इशू है इसके अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि दोबारा से वहां पर रिपेरेशन इसका इनका नहीं हो सकता है, एक्सट्रेडिशन दोबारा से सेम कंट्री में नहीं हो सकता है जब तक वो सॉल्व नहीं हो। यही इशू जो है वो सीरिया वाले केस में आया था, यही रोहिंग्यास वाले केस में आया है। अब बात है कि हमारा जो आर्टिकल 51 है जो DPSPs में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आपको बताइए 36 से 51 तक आते हैं ये आर्टिकल हैं, और पार्ट 4 में आता है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं,
और ये पार्ट फोर में डीपीएसपीज आते हैं। तो ये पता है आपको कि डीपीएसपीज इनको हम लागू नहीं करवा सकते कोर्ट में, क्योंकि ये एडवाइजरी की तरह होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए। ये एक तरह से उसके लिए गाइडिंग डायरेक्शंस हैं कि किस तरह से चलना चाहिए एक वेलफेयर स्टेट को, अच्छे स्टेट को। तो उसमें भी 51 में ये बोला गया कि हमें इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना चाहिए। दूसरा, ये जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह हैं उनको अपहोल्ड हमें करना चाहिए और उनके कन्वेंशंस को मानना चाहिए, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि फोर्स करा नहीं सकता, लेकिन कोई भी देश नहीं मानेगा तो फिर ट्रीटीज़ का मतलब नहीं रहेगा और फिर दुनिया के अंदर ये डिसऑर्डर हो जाएगा और फिर ये जो इंटरनेशनल पीस जो है वो कभी भी मेंटेन नहीं रख पाएगी। इसलिए हर देश की एक मॉरल जिम्मेदारी बनती है कि इनको अपहोल्ड करे, जब तक कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन ना आए तब तक उनको अपहोल्ड करे। तो इंडिया को इसलिए भी इनको अपहोल्ड करना चाहिए और असाइलम एक बार के लिए टेम्पररी हम दे सकते हैं। तो ये इशू इसके अंदर है, तो उसके रिगार्डिंग ये सारा इशू दोबारा से उठा है, क्योंकि रिपोर्ट मांगी है और जनवरी में ये रिपोर्ट मांगी गई थी। और फंडामेंटल राइट्स का मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स और फॉरेनर्स को अलग करते हैं, लेकिन रोहिंग्याज रिफ्यूजीज का जो इशू है उसके अंदर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये दो इशू उनको भी डिनाई हम नहीं कर सकते, जैसे मैंने उस आर्टिकल में बताया था। तो यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी थोड़ी सी मॉरल ग्राउंड्स पर बढ़ती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल्स के अकॉर्डिंग भी बढ़ जाती है हमारी जिम्मेदारी, कि उनके अकॉर्डिंग भी हम उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हमारे लैंड पर रह रहे हों एज अ रिफ्यूजी, ठीक है। और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा अनवांटेड और परसिक्यूटेड पीपल हैं जो रोहिंग्याज हैं, तो आप सोचिए उनकी तो बहुत ही बुरी हालत है। मतलब क्रिटिसिज्म की बात अलग है, इंटॉलरेंस की बात अलग है, लेकिन एक चीज़ ये भी हम देखते हैं कि दिन जब हमेशा जो भी पिक्चर आती है, जो भी कोई भी ग्राउंड लेवल पर जाकर उनसे मिलता है, तो हम यही देखते हैं कि टेररिस्ट के नाम पर उनको इंटॉलरेंस दिखाई जाती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, बारिश आ रही है ऊपर से सिर पे पॉलिथीन लगा के, मतलब वो अपनी सामान ढोके जा रहे हैं पतली सी पगडंडी के ऊपर, ऐसी पिक्चर जब कोई भी देखता है तो हार्ट मेल्ट होना चाहिए और हर ह्यूमैनिटी में सबका होना चाहिए, जहां पर इतना लग्जरी में लाइफ जीते हैं लोग और वहां पर ऐसी कंडीशन देखते हैं कि मतलब छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मतलब वो सिर पे सामान रख के बारिश में, धूप में, ठंड में और नंगे बदन जा रहे हैं, न पैरों में चप्पल है, कुछ भी नहीं है, और वो घूम रहे इधर से उधर, उनको कोई जगह देने को तैयार नहीं है, वो कैसे न कैसे ये ढूंढ रहे हैं कोई हमें रहने के लिए या फिर थोड़ा टाइम रुकने के लिए जगह दे दे। तो ये एक बहुत ही इश्यू ऐसा हो जाता है जिसको आंख बंद नहीं करनी चाहिए, न की जा सकती है। कोई भी इंसान जो एक रियल ह्यूमन है वो इसके रिगार्डिंग कंसर्न रखेगा ही रखेगा। तो इतना हम बड़े देश हैं, इतना हम में कैपेबिलिटी है कि हम टेम्पररीली कोई सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं, कुछ असाइलम भी दे सकते हैं, और इतना भी हम केपेबल हैं कि ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उनको वॉच में रखा जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है इसके अंदर। केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश के और ह्यूमन राइट्स कमीशन के बीच में हुआ था, और वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज अपहेल्ड की थी, सेम चीज कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वो डिनाई नहीं की जा सकती है और किसी भी इंसान को उसकी लाइफ के लिए डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती है। तो कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ये बात की थी, लेकिन ये इशू ह्यूमैनिटी का ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसमें ह्यूमन जो क्वेश्चन है वो ज्यादा बड़ा है। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो उसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, क्योंकि रूल्स के रिगार्डिंग तो ये सामने इशू है ही कि वो बाहर के लोग हैं और हम कितनों को अकोमोडेट करेंगे, ये इशू है। फॉरेनर्स एक्ट एक रह गया था जो 1946 में था। हमारे पास अभी कोई रिफ्यूजीज के लिए कोई इंपॉर्टेंट लॉ या पॉलिसी नहीं है, ये याद रखना आपको, कोई नहीं बनी है इंडिपेंडेंस के बाद में। तो ये जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है ये फेल है, ये नहीं काम कर पा रहा है। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है जो रिलीजन बेस्ड आ गया है, जिसमें मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है और नॉन मुस्लिम्स को इसमें जो परसिक्यूटेड है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, तो ये रिलीजियस एंगल है। इसका मतलब रिलीजन जो है वो इक्वालिटी को फेल कर रहा है यहाँ पर। ये एक बड़ा ही मार्मिक इशू इसके अंदर आ गया है। और रोनाल्ड वर्किन ने ये बोला है कि इफ़ वी क्लेम इंटरनेशनल लॉ टू बी लॉ, वी मस्ट अंडरस्टैंड इट एज पार्ट ऑफ द ग्रेटर मोरालिटी। In such a conception, the deportation of refugees by India is not only unlawful but breaches a significant moral obligation. और moral obligation की जहाँ बात आती है वहाँ पर India दुनिया के लिए एक example था, लेकिन धीरे धीरे ये condition because of constraints tarnish हो रही है image, तो हमें इसको भी uphold करना है। अभी हम इतने कमजोर नहीं हुए कि हम इस image को खो दें बहुत जल्दी, और सिर्फ इन issues के चलते, political इश्यूज जो ज़्यादा बड़े रीजन होते हैं इनके इश्यूज के चलते, और रिलीजियस इंटॉलरेंस जो कभी इंडिया में नहीं थी उसके चलते,
ठीक है। अब कुछ न्यूज की बात करते हैं। ये न्यूज आई है, मैं आपको एक काम दे रहा हूं कि दो चीज आपको पढ़नी है, सर्च करनी है, एक तो नाक्स NAQS और एक नाकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सफर ऐप आई थी, ये सारे ही पोल्यूशन के रिगार्डिंग है, तो इनके बारे में आप सर्च करना। दूसरा कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि दुनिया के अंदर जो सिटी सबसे ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है जिनके अंदर, उनमें सबसे फास्टेस्ट इंडिया है। चाइना की पहले मानी जाती थी, अब चाइना से भी फास्ट हम हो गए हैं कि जो सिटीज पोल्यूशन कर रही हैं और जहां पर डेंसिटी ज्यादा है, जो दिल्ली चंडीगढ़ जैसे जो सिटीज हैं, कोलकाता जैसे सिटीज हैं, मुंबई जैसे सिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। डेंसिटी टोटली इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और इनके रिगार्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। और ये जो एवरेज पर कैपिटा एमिशन जो है वो बहुत राइज कर रहा है हमारा, ये बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। और डेंसिटी जहां पर ज्यादा है इन सिटीज वगैरह के अंदर, वहां पर बहुत ही ज्यादा पर कैपिटा एमिशन है, जो कि 20 kg पर कैपिटा हो गया है ऑन एन एवरेज। और कुछ सिटीज जैसे गुड़गांव के अंदर तो 140 किलोग्राम CO2 पर कैपिटा है, मतलब हर इंसान जो एमिशन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसर्न बन गया है। तो ऐसे चलता रहा तो जो हम कल परसों देख रहे थे कि विजन 2030 इंडिया का है, उसमें 10 साल में हम पोल्यूशन फ्री कर देंगे इंडिया को, तो वो आप यहां से दिख सकता है कि कितना पॉसिबल है 10 साल के अंदर। तो ये कुछ हमें करना पड़ेगा, और हम तो उल्टा जा रहे हैं, हम तो और पोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ज्यादा मतलब इस तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, जहां पर इनको मैनेज करने की डिमांड और बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है फंड रेजर टू सिक्योर 96 एलिफेंट कॉरिडोर्स। एलिफेंट कॉरिडोर्स के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ये कॉरिडोर्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हाईवे जा रहा है, रेलवे लाइन जा रही है, और दोनों तरफ इंपॉर्टेंट वो हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जंगल है जहां पर जानवर रहते हैं, तो इनके लिए जैसे पिक्चर आप कई बार देखोगे गूगल के अंदर इन सब के ऊपर, जैसे ऊपर से एक ओवरब्रिज बना दिया जाता है, या फिर ये जो लाइन होती है रेलवे या रोड की, ये ऊपर से निकाल दी जाती है, नीचे से उनके लिए पैसेज क्लियर कर दिया जाता है ताकि जानवर वहां से निकल जाएं। तो ये कॉरिडोर्स होते हैं। और एलिफेंट्स के रिगार्डिंग इंडिया में बहुत बड़ा इशू ये भी है, क्योंकि रेलवे लाइन जहां जहां से गुजरती है, जहां जहां भी, चाहे उड़ीसा हो, चाहे साउथ हो, चाहे आसाम हो, कहीं पर भी, वहां पर बहुत सारे डेथ हो जाती है ट्रेन से टकराने के कारण हाथियों की। तो ये बहुत बड़ा इशू है इनका रिगार्डिंग, एलिफेंट कॉरिडोर का इशू है। अब देखिए ये भी मैं आपको एक काम दे रहा हूँ आज, एलिफेंट कॉरिडोर इन इंडिया, जो मेजर एरियाज है जहां पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वो आपको सर्च करने हैं, गूगल पे डालते ही मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक ट्रस्ट है जो इसके रिगार्डिंग काफी काम करता है, और उसने ये रिपोर्ट दी है, ठीक है, कि 12 स्टेट्स हैं इंडिया में और उसमें 101 कॉरिडोर्स हैं टोटल, ठीक है, और उसमें 96 जो हैं वो सारे एक साथ आए हैं, और 5 एनजीओ साथ में आए हैं, और ये एक एशियन एलिफेंट अलायंस जो है वो बनाने की बात है, अम्ब्रेला इनिशिएटिव होगा ये, 5 एनजीओ इसमें हैं और बाकी ये सारे एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस के लिए फंड रेज करेंगे, और ये इनिशिएटिव एशियन एलिफेंट अलायंस ने स्टार्ट किया है, ठीक है, ये पहले से चल रहा है एशियन एलिफेंट अलायंस, और इसने ये इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट फंड रेजिंग का स्टार्ट किया है इसके लिए, जो कि बहुत बड़ी नीड है इनके लिए, क्योंकि हमारा वैसे भी गोल है कि जो विजन 2030 था उसमें भी हमने ये बोला था कि वाइल्ड लाइफ हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम अपहेल्ड करेंगे। नेक्स्ट है पीएम किसान, जो एक योजना चलाई गई थी किसानों को 6,000 रुपये देने के लिए, उसमें इंस्टॉलमेंट में था कि 2,000 रुपये की 3 किस्त में ये देना था, तो अब उसके अंदर सेकंड किस्त जो है उसके अंदर आधार मस्ट कर दिया गया है। अब फिर से इसमें कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, आधार वाली बड़ी कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये गरीबों को देने की बात है, किसानों को देने की बात है, और जहां जहां ये इशू आता है, जहां जहां आधार मैंडेटरी होता है, वहां वही सारे इश्यूज खड़े हो जाते हैं कि कोई बायोमेट्रिक डेटा नहीं मिल रहा है, किसी के पास प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, किसी के पास ये इशू है, और इन दी एंड गरीब उसमें सफर करता है। ये सब स्कीम होने के बावजूद भी, फूड सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, जब ये आधार वगैरह किए गए थे उसके बाद ये देखा था कि झारखंड में एक दो केस आए थे जिसमें भुखमरी के कारण डेथ हो गई थी, तो फिर इसका बहुत कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। तो फिर इसमें अब ये जो कैश ट्रांसफर स्कीम्स हैं इसके अंदर पहली किस्त में ये लागू नहीं होगा, लेकिन सेकेंड किस्त के अंदर इसमें आधार पे कर दिखाना कंपलसरी हो जाएगा। तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर कंडीशन लगा दी जा रही है। और पीएम किसान के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक इनकम ट्रांसफर स्कीम है, इनकम बूस्ट स्कीम है, जिसके अंदर डायरेक्ट अकाउंट में 6,000 रुपये जाएंगे, लेकिन वो 2,000 रुपये करके 3 बार जाएंगे, ठीक है, तो सेकंड किस्त के ऊपर ये बात है। नेक्स्ट है इसमें सेंटर ने रिलैक्स किया एंजल टैक्स। अब एंजल टैक्स का रिलेशन होता है मेनली जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस वगैरह, तो एक तो होते हैं एंजल इन्वेस्टर। ये क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने पहले भी आपको बताया था
कि कोई स्टार्टअप करते हैं तो शुरुआत में उनको बैंकिंग वगैरह से लोन ज़्यादा बड़े नहीं मिल पाते क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती है, और अधिकतर स्टार्टअप्स ये देखे जाते हैं कि सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं इसलिए बड़ा उनको लोन वगैरह नहीं मिल पाते हैं, सपोर्ट नहीं मिल पाता कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कुछ फैमिली मेंबर्स या दोस्त या कुछ भी होते हैं कोई बाहर के इंसान जो उनके प्लान को समझ के उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो एंजल इन्वेस्टर की तरह आते हैं, एंजल की तरह आते हैं उनके लिए, तो वो कहलाते हैं। अब मान लीजिए एक लिमिट है, कुछ लिस्टेड जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, जो लिस्टेड नहीं है अनलिस्टेड है, और वो अगर लिमिट से ऊपर अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कहीं से ले आते हैं तो उसके ऊपर फिर टैक्स लगता है, और ये एंजल इन्वेस्टमेंट ही होता है इसलिए ऊपर इसके ऊपर लगता है एंजल टैक्स, एंजल टैक्स। इसके रिगार्डिंग बात है, अभी ये बोला है सेंटर ने कि वो रिलैक्स कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग नॉर्म्स, इसको खत्म तो नहीं कर सकते, स्क्रैप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को। और दूसरा बड़ा इशू ये है, इसको रिलैक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी डेटा के रिसेंटली एक आया था कि अधिकतर स्टार्टअप जो स्टार्ट हुए थे उसमें से अधिकतर बंद हो गए हैं, वो उनको नहीं मिल पाया सपोर्ट, ना वो सक्सेसफुल हो पाए। जो स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम चली थी उसके अंदर जितने भी स्टार्ट हुए थे उसमें अधिकतर उसमें क्लोज हो गए, इसलिए ये सेंटर थोड़ा सा प्रेशर में है इनको फिर से बूस्ट करने के लिए। और ये MCQs हैं आज, इनको ट्राई करना, काफ़ी लंबा लेसन था, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, देखिए जितने भी थे आज मतलब 5-6 आर्टिकल्स थे उसमें मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो छांटे हैं, और एक दो है वो पहले से डिस्कस हो चुके हैं, एक तो इनकम ट्रांसफर वाले के ऊपर था और एक इशू था बोडोलैंड वाले के ऊपर, तो वो पॉलिटिकल थोड़ा सा है और वो मैंने पहले डिस्कस भी किया था, आगे उसके ऊपर बड़ा आर्टिकल आएगा इसलिए मैंने उसको आज नहीं लिया, ठीक है। सो ये इशू था, और इनको आप ट्राई करना MCQs को। और एक मैप का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक तो मेंस का ही क्वेश्चन है जो बड़ा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो हमने कल डिस्कस किया था, और ये मैप का क्वेश्चन है, इसके अंदर हिंदू कुश रेंज से लेकर और आपको अराका न्योमा जो उसका एक्सटेंशन एक तो देखना है, दूसरा पामीर नोट देखना है, बियाभाव ग्लेशियर, ये सुलेमान रेंज और नुब्रा वैली, ये सब आपको ढूंढने हैं। इसमें बहुत सारे एरियाज हैं मैप के क्वेश्चन, 2-3 दिन तक मैं आपको इसी एरिया से ही क्वेश्चन दूंगा, तो ये आप ढूंढना, ठीक है। और PDF आपको इस ग्रुप पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी वो मैं डालता हूँ, तो दोनों जगह से आपको मिल सकती है, रिक्वेस्ट आप भेज देना, प्रूव मैं कर दूंगा। थैंक्स अलॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी। लंबा लेसन था लेकिन फैक्ट्स इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लोग जो आर्टिकल लिखते हैं ना वो उसमें स्पेसिफिक एंगल्स डालते हैं, पॉइंट्स डालते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू स्पेसिफिक होता है, वो कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं होते हैं, इसलिए उनको द हिंदू में स्पेस मिला है, इसलिए सब कुछ डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। और मैं अगर समरी बनाने लग जाऊंगा हर आर्टिकल की तो फिर थोड़ा सा ये हो जाएगा कि वो एक एक्सक्लूसिविटी जो होती है द हिंदू के आर्टिकल की उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और वैसे तो फिर आप छोटे मोटे पेपर पढ़ के भी आप समझ सकते हो उन चीज़ों को, लेकिन वो जो एक्सक्लूसिव जो पॉइंट्स होते हैं वो हिंदू जैसे पेपर में ही आते हैं, इसलिए उनको डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, उनको मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, तो इसके लिए आप कुछ लोगों को इश्यू हो सकता है, लेकिन ये 5-10 मिनट एक्स्ट्रा आपकी लगती है, लेकिन ये पॉइंट्स आपको कवर होते हैं जो कि डायरेक्टली मेंस में आप लिख सकते हो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आते हैं, अगर आपको शक है तो पीछे के मेंस के आप क्वेश्चंस उठा के देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मोर देन 75-80% पेपर इन्हीं आर्टिकल से ही आएगा आपका मेंस के अंदर, ये मैं बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है मेरा 3-4 सालों का, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, और 75-80% आर्टिकल से ही आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं GS के पेपर्स के अंदर। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।